राजा राम की जय होगा सबको। ये लो एंड उसके बाद हनुमान जी के दर्शन और सीधा फिर हम आपको साक्षात बाबा तीन हजार आठ के दर्शन करा देते हैं। बाबा आज कहाँ जा रहे हो? कल चमत्कार बता दिया था नहीं? दांत चाउट में आया मैं बाबा बन गया। पहले से बाबा था, बना थोड़ी ना, अंदर चले अखाड़े में। आज ना वो एक्सरसाइज करते वक्त नाचेगा तो नहीं? अरे ठीक है यार नाचना पड़े रोज की तरह। आदमी चलो धंधा देखो, धंधा ऊंचा रहे हमारा। बाबा के साथ में सीधा हम घुस जाते हैं अखाड़े के अंदर। अखाड़े के अंदर सीधा हम वार्म अप करना स्टार्ट कर देते हैं। बाबा की भाषा में बात की जाए तो डांसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, बाबा बोलते हैं चलो थोड़ा बहुत डांस कर लिया जाए। और बाबा की हरकतें देख करके आपको पता लग जाएगा हाँ थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग तो की थी इन्होंने, बट फिर एक्सरसाइज के ऊपर मूव हो गई थी। उसके बाद हम थोड़ा वार्म अप के हिसाब से मिक्स एक्सरसाइज लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम अपना ले लेते हैं यहाँ पर बाइसेप्स, और बाइसेप्स लेने के साथ में बाबा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बाइसेप्स कौन सी है, ट्राइसेप्स कौन सी है, लोअर आर्म सेटअप, बहुत सारी एक्सरसाइज में कंफ्यूज रहते हैं उनको। फिर उनको बताना पड़ता है डेली आज ये वाले लगाएंगे आज वो वाले लगाएंगे, देसी भाषा में समझाना पड़ता है। हाथ उठा के थोड़ा बोझ उठा लिया और हाथ से ऊपर नीचे कर लिया उसको, बोला हाँ ये ठीक है ये होती है बाइसेप्स। और बाइसेप्स को हम पहले उसके साथ में तीन सेट ले लेते हैं, उसके फिर उसके बाद में राड के साथ में भी हम तीन सेट लेते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग राड अलग अलग वेट के साइज़ में है। उसके साथ में हम अपने शोल्डर भी लेना स्टार्ट कर देते हैं आगे की तरफ। ये जो ले रहे हैं हम इसके भी तीन सेट लेते हैं। फिर हम सोचते हैं इसी का हम एक अलग से सेट ले लेते हैं जो आगे की तरफ होकर के लिया जाएगा, इसके भी हम तीन सेट लेते हैं। उसके तुरंत बाद हम अपना थोड़ा बहुत पेट की लगाते हैं और 10 किलो का बॉडी पंप करने के लिए हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज। गाइस हम टहल रहे हैं कॉलोनी के अंदर, कॉलोनी के अंदर आ तो चुके हैं हम। अब यहाँ पर है ना बात चल रही थी कि तेरे को पता है ना शिक्षा ग्रहण करने की। शिक्षा तो ठीक है, पहले तेरे को पता है ना कि हल्द्वानी में वो हो गया भाई, गोली के आदेश दे दिए, कुछ लोग मारे गए हैं वहाँ पे। गोली चल गई, वो कहीं ना कहीं गलत भी है थोड़ा बहुत, बट अब जब वहाँ पर गोली के आदेश हो गए फिर भी लोग वहाँ पर पथराव कर रहे हैं तो भैया ये तो होगा, ये आपको खुद समझना चाहिए। चलो उसको छोड़ो, अपना क्या लेना था, दो शब्द बोलने हैं क्या? नहीं बोलने, चलो दो शब्द खत्म आज। तो अब शिक्षा ग्रहण करने की बात कर रहे थे तो ये बोल रहा मैं मेरे बच्चों को ना लोड फ्री रखना चाहता हूँ, एक पैसे एक रुपये की लोड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि एक रुपया तो इसके पास है, 10 रुपये की लोड लो तुम, है ना? 10 रुपये की लोड दिलाएंगे और अपना सपना उनसे पूरा करना। कौन सा सपना? 30 तो डम्फर, 5 फोगलेन और 3 लारी ले जाने वाली, और देख और उसके आगे हवाई जहाज, हवाई जहाज और उसके आगे ओवन, ओवन, हाँ ओवन, एक वो भी ओवन। बाबा चाहते हैं कि वो ओवन में बैठे हुए उनके बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करते। अपन एक का डबल करना सिखाएंगे, एक का डबल मतलब आप अक्षय कुमार बनना चाहते हो? हाँ हेरा फेरी करेंगे, बड़ी हेरा फेरी करेंगे यार, मिस करने वाला कभी। बाबा तेरे मतलब अच्छा देंगे अपने बच्चों को भी, अपने से अच्छे संस्कार देंगे अपने को तो ठीक है। जैसे कि रूस ब्रिटेन फ्रांस भेजेंगे उनको, वो क्यों भेजेगा? भारत में दिक्कत है कोई? थोड़ा सा उनसे भी मिल के आ, भारत में क्या रखा है? अच्छा क्या बोल कर आएंगे उनसे? खंदो से ऊंची छाती नहीं होती। अरे ये बोल कर आएंगे उनसे? हाँ उनसे भी धर्म जगाएंगे अपन। तो क्या बोलेंगे? खंदो से ऊंची छाती नहीं होती, वो धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। हाँ दीपा की नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? मतलब फ्रांस ब्रिटेन में भी यही बुलवाएंगे बाबा, अपन अपने हिंदू धर्म बाबा का प्रकोप, हिंदू धर्म के मसाल जलवाएंगे। मसाल वो जलती की? हाँ वो जलवाएंगे घर 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 भगवा छाएगा। हाँ तो अपन ब्रिटेन में भगवा आएगा, एक देश अपने नाम का भी हो जाए एक बाबा ओ मतलब ये ब्रिटेन का नाम चेंज करके बाबा 3008 करवाना चाहता है। आज की टॉपिक यही, हेडलाइन यही डालूंगा बाबा मैं, ब्रिटेन का नाम हुआ चेंज, ब्रिटेन बना बाबा 3008। वाओ चले तो हमारी मसाल जलवानी है, अभी तो जलवाएंगे अपने से नहीं जलेगी, आने वाली पीढ़ी जलवा देगी। ठीक है यार टाटा दोस्तों, आज हमने भगवद गीता में पढ़ा कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के फिर से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, और मतलब कि अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रकाट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है वह अवतार कहलाता है, और अवतार कई तरह के होते हैं यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तियावेश अवतार, मनवंतर अवतार या युगा अवतार, इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रम अनुसार अवतरण होता रहता है।
भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम हैं। पढ़ने आए हैं, हो गई फिर से ड्यूटी, आज थर्ड डे। एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहेगा। अब जाके भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, इसको खाना देने आऊँगा थोड़ी देर बाद। जज काम काफ़ी ज़्यादा था तो एक डेढ़ घंटा काम किया, फिर थोड़े से कपड़े धो दिए, अब बैठूँगा भगवद गीता पढ़ने के लिए। भगवद गीता पढ़ने के बाद फिर राखी को खाना देने के लिए जाएंगे हॉस्पिटल में। ओ माय गॉड, जल्दी से काम कर लेता हूँ अभी। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम कम रहता है, इसकी वजह से जल्दी जल्दी मैंने कपड़े धोए और राखी को खाना देने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ। एंड यहाँ पर रास्ते में है ना, मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है एक बार खाना देकर आ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको पास फ़ोन करता हूँ, क्योंकि आज मम्मी ने ना मेरे को एक अलग से घर पर कुछ सामान भी पहुँचाया, मैंने कंपनी ने सामान पहुँचाया था तो वो मैंने बता दिया मम्मी को, आज जाकर रिसीव कर लो, ये मेरे को काम के नहीं थे और यहाँ पर डिलीवरी भी नहीं कर रहे थे। फिर मम्मी ने मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दी, कुछ मतलब आगे से ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मेरे को वो काम करना पड़ा, वो आपको पता लग जाएगा। गाइस, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि मैडम के लिए, मतलब कि मेरी माँ का, लड्डू बनाने हैं, ये चने हैं, ये अखरोट हैं, ये काजू हैं और बादाम कहाँ गए, वो बादाम है भाई साहब, ये सभी पीस करके, ये बूरा है, घी अंदर रखा है, तो ये सभी पीस करके और घी डाल करके लड्डू बनाए जाएंगे बिल्कुल प्योर शुद्ध। सबसे पहले लड्डू गोपाल को, फिर हम खाएंगे और मैडम को सरप्राइज मिलेगा ड्यूटी से आएगी तब, तो सीधा बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम ये लड्डू बना रहा था मम्मी के तत्व ध्यान में, मम्मी ने मेरे को बताया था कि इस टाइप से ये लड्डू बनेंगे और यहाँ पर मैं अपना पहले बादाम पिस्ता काजू इन सब का जो भी रहता है सबको मैं पीस लेता हूँ, पीस करके फिर है ना बेसन के अंदर मिला लिया जाता है, मतलब कि बेसन इन द सेंस कि हमने चने को कम्प्लीटली मतलब पीस लिया था। और यहाँ पर ऐसी ऐसी दो कटोरी घी डाला था और यहाँ पर एक किलो के समथिंग ड्राई फ्रूट्स थे लड्डू गोपाल को दे करके। उसके बाद ये देखो क्या टेस्टी बना भाई, पहली बार बनाया मैंने जिंदगी में, और जो चीज़ बनी है ना मतलब सबसे अच्छी चीज़ है, ड्राई फ्रूट्स है ना इसके अंदर अच्छे खासे, साथ में भाई सब देसी घी, ओहो हो हो, मतलब ये लगा लो मार्केट में चीज़ मिलने मुश्किल है, कभी नहीं मिल सकती। अब उसको सरप्राइज देंगे। फिलहाल हम धूप में बैठे हैं, ड्यूटी से आ गई है मैडम, खिचड़ी खा रहे हैं। ड्यूटी का एक्सपीरियंस आज ठीक था, आज सेकंड डे थोड़ा सा खराब गया था, कोई बात नहीं, ऐसे ही जाना चाहिए था ना, ठीक है। कोई ऐसा वाक्य जो आज बोलना चाहोगे? चलो ठीक है, बाबा 3008 की जय हो। ठीक, ये कुछ कपड़े हैं जो मैं पहनता नहीं हूँ, हालांकि पहनता तो हूँ मैं, ये वाली पैंट आपने कई बार देखी होगी, ये लोअर भी देखी होगी, ये ओरिजिनल नाइकी की लोअर है, ये ओरिजिनल बीइंग ह्यूमन की पैंट है, ये देख लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ओरिजिनल है, कम्प्लीटली ओरिजिन। मैं यहाँ पर टैग, चलो छोड़ो क्या ये इतने सब के दिखाना, एंड हाँ ये दोनों लोकल हैं तो उनको ज़रूरत थी कपड़ों की, उनके पास है नहीं, तो मैंने सोचा चलो भैया दे दिए जाएँ, हालांकि मैं दिखाऊंगा नहीं कौन है वो, किसको दे रहा हूँ क्या है, बट मैं सिर्फ बताना चाहता था कि आपका अगर आपके पास भी है तो आप इस किसी को दे सकते हो फेंकने की बजाय। अब राखी को लड्डू गोपाल के दर्शन कर लो आप सभी, एंड है ना अभी राखी को देंगे, उसका रिएक्शन देखते हैं कैसा रहेगा। ये लड्डू खा करके जो मैंने बनाए हैं उसको सिर्फ ये बोला कि प्रसाद है, तो प्रसाद के हिसाब से खाएंगे फिर बताएंगे उसको, देखते हैं क्या बोलेगी। प्रसाद ये आ गया, आओ क्या खाओ, गिरा तो दिया तुमने, कैसा लगा है? लड्डू हैं मैंने बनाए हैं, बन गए लड्डू, लड्डू जैसे चलने लगा हमारे, और कैसे लगेंगे, कैसा लगा, प्योर देसी घी में गच्च। मैं आया था बाबा 3008 के पास में क्योंकि आज हमें शॉपिंग करनी है, क्योंकि कल हमें हनुमान चालीसा करनी है। बाबा ने दिए मेरे को ये चने, देखो कितने पुराने गंदे चने उसमें से निकाल के जेब में से। बाबा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम माजी। बाबा ये कितने गंदे चने, कितने दिन पुराने, इनमें कहाँ गंदे यार, तेरी तेरी लोअर का जुगाड़ घुस गया, वो चने ही गंदा है, उसको फेंक दो, देखो अच्छे अच्छे चने यार, अच्छे चने नहीं बोल रहे। बाबा के चने खा करके थोड़ी सी फुर्ती आती है, हम सीधा मार्केट में जा करके अपना जो हनुमान जी का सामान था वो सारा का सारा सामान परचेज कर लेते हैं, फिर सीधा पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए। आगे दवाई लेने हैं, भैया पूछ रहे हैं पिछली बार वीडियो बनाया था वो कहाँ है। जय श्री राम भैया, आपका वीडियो डल चुका है, आज ये फिर से डलेगा। चलो हम अपनी दवाई गोली ले लेते हैं। ओ माय गॉड, ये बार कोड किसी को पैसे डालने हो तो डाल दो भाई इस पर, बस भाई।
फिर मैं हम पहुंच जाते हैं सीधा अपने कुछ सामान और लेने जहां पर प्रसाद वगैरह बांटना था, कौन सा प्रसाद, और फिर 100 बार हनुमान चालीसा करनी है तो किस तरीके से बांटनी पड़ेंगी, किस तरीके से इसे हम गिनेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा लड्डू लेने के चले जाते हैं, प्रसाद में थोड़ा सा लड्डू भी बांट दिए जाएंगे। एंड यहाँ पर हम ना पूरी मार्केट में ये भी ढूंढते हैं कि हमें कहाँ पर मछली का फिश फूड मिल जाए, वो नहीं मिला। फिर मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, वो आपको बाद में बताऊँगा। मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है संदीप हाट पिपलिया हनुमान, बाबा ने एक नंबर का नाम सेव कर रखा, हनुमान है बाबा ये हैं। और मेरे पास आ रहा हिडन नंबर, तूने कुछ छेड़ रखा भाई। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, घर पे आकर के घर पे कॉल करता हूँ। लेकिन बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये हितांश से मिले काफ़ी टाइम, ज़्यादा टाइम हो चुका है मेरे को, मतलब आज तक मैं मिला ही नहीं हूँ उससे, और राखी भी नहीं मिली है। और जब भी घर पे जाएंगे एक बार उससे ज़रूर मिलेंगे। एंड यहाँ पर है ना मछली का फूड तो नहीं मिला था, और दूसरी तरफ है ना बाबा ने, हमने बाबा 108 भी हमारे साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं लगातार, तो यहाँ पर उनका नंबर हम मिला रहे थे। मेरे पास तो हिडन नंबर के नाम से शोर है, उनके पास संदीप हाट पिपलिया हनुमान, वाह, उनको हनुमान जी के नाम से सेव कर रखा है। मेरे पास तो कोई नंबर ही नहीं आ रहा, मैं उनके पास रिटर्न भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा काम हो रखा है उनके साथ में। अब देखेंगे सुबह उनसे मिलता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। और अभी तक इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।